Hello students, this is Jagdamba. Today I am going to explain the second lesson for the students of class 9 from their book Moments. The name of the lesson is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपके घर में या फिर आपने कभी baby monkey को as a pet रखा है घर में? Toto is a baby monkey जिसके बारे में ये स्टोरी है. Let's find out whether he is mischievous or docile. क्या वो शरारती था या फिर वो obeying था, docile, that means बात मानने वाला. तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. राइटर बताते हैं कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में इसे ख़रीदा था, जिसका नाम था टोटो. ठीक है ना, उस मंकी का नाम था टोटो. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ and the monkey looked so out of place there, the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो टोंगा ड्राइवर था उस मंकी को फीडिंग ट्रॉफ, एक कंटेनर होता है, उससे बांध के रखा हुआ था, और इसको देख के ग्रैंडफादर को लगा कि इस लिटिल मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखना चाहिए. तो इससे ये पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने अपने घर पर एक छोटा सा जू बना रखा था. टोटो वॉज प्रिटी मंकी. टोटो बहुत प्रिटी मंकी था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. और उसकी जो आँखें थी वो स्पार्कल की तरह चमक रही थी, शरारत भरी थी, और डीप सेट आईब्रोज थी, मीन्स उसके आईब्रोज के अंदर उसकी आँखें थी. जैसा कि आप देखेंगे मंकीज़ की आँखें डीप सेट होती हैं, अंदर की तरफ रहती हैं. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. उसके जो दांत थे वो मोतियों की तरह चमक रहे थे, सफ़ेद. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और जो जब वो हंसता था तो वो उससे डर जाती थी. कौन? एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. ठीक है ना, एंग्लो इंडियन लेडीज़ में मतलब क्या है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत पहले की लिखी गई है, उस टाइम इंडिया में ब्रिटिशर्स भी थे. तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ मतलब इंडिया में रहने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें एंग्लो इंडियन लेडीज़ कहते हैं. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके जो हाथ थे वो सूखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पिकल को सुखाया गया हो. जैसे आप देखते हैं अचार जो होता है उसे काफ़ी दिनों तक उसको धूप में रखते हैं तो वो सूख जाता है, तो उसकी तरह उसके जो हाथ थे वो सूखे थे. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड. लेकिन उसके जो फिंगर थे वो बहुत ही क्विक थे और विकेड, दैट मीन्स एक्टिव थे. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. और जो उसका टेल था वो उसके में एक गुड लुक्स एड ऑन कर रहा था. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवंस गुड लुक्स. और ग्रैंडफादर ये बिलीव करते थे कि टेल जो है किसी में भी एक गुड लुक को ऐड करता है. ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और एक तीसरे हैंड की तरह काम करता है. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. जब भी टोटो को ब्रांच पर लटकना होता था तो वो अपने टेल को उस ब्रांच में फंसा लेता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप. और उससे वो स्कूप करके कोई भी चीज़ उठा लेता था. स्कूपिंग अप मीन्स कोई भी चीज़ को निकालना. एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. एनी डेलिकेसी, जो भी चीज़ें रहती थी उसको ईजिली वो उसे निकाल लेता था. जो भी चीज़ें जो उसके हाथ से पहुँच के दूर थी तो वो ब्रांच पर पहले अपने टेल को फंसा लेता था, जिससे उसकी हाइट बढ़ जाती थी, और फिर वो डेलिकेटली उसे निकाल लेता था, कोई भी चीज़ को ईजिली निकाल लेता था. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉड होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. अब यहाँ पे बता रहे हैं राइटर कि ग्रैंड मदर जो थी राइटर की, वो कैसे बिल्कुल फर्स्ट हो जाती थी, दैट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से एंग्री हो जाती थी. व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी ग्रैंडफादर घर में कोई बर्ड और एनिमल लाते थे, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज अ पर्टिकुलरली गुड मूड. तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो के प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि उनका मूड अच्छा ना हो. जब उनका मूड अच्छा होगा तभी हम बताएंगे कि घर में एक नया मेहमान आया है जिसका नाम टोटो है. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट. ग्रैंडफादर के साथ मैं मिलकर उसे एक लिटिल क्लोजेट में रखा था, एक अलमीरा में रखा हुआ था. ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, जो कि मेरे बेडरूम में था. वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, वहाँ पर उसको बांध के रखा गया हुआ था. और सो वी थाट टू अ
पेग फास्टर इन टू द वॉल, और हम लोगों ने उस पर एक कील के साथ उसे बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। कुछ घंटे बाद ग्रैंडफादर और हम जब वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि टोटो ने वॉल पर जो भी ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे, जो भी ग्रैंडफादर ने उसे लगाए हुए थे, उसको निकाल दिया है और सिर्फ अब वॉल पे ब्रिक एंड प्लास्टर ही बचे हुए हैं। दैट मीन्स टोटो बहुत ही मिस्चीवियस है। तो उसने उसको जब राइटर ने बांध के रखा हुआ था तो उसने क्या किया कि वॉल पे लगे वॉलपेपर को निकाल दिया, जिससे क्या हो गया, वॉल नेकेड हो गया, ठीक है, अनकवर्ड हो गया। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड, और जो पैग लगी हुई थी, जो कील लगी हुई थी, वो रेंज्ड हो गई, दैट मीन्स पुल्ड आउट हो गई, उसको टोटो ने निकाल दिया था फ्रॉम इट्स सॉकेट, एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शेड, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर वहाँ पे हैंग हो रहा था उसको टोटो ने फाड़ दिया था, ओके, इट वॉज टॉर्न। आई वॉन्टेड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। मैं ये सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या सोचेंगी, बट ग्रैंड फादर को कोई वरी नहीं था, वो बहुत ही काम और बहुत शांत है टोटो के इस परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर कहते हैं ये तो बहुत शातिर है, बहुत चतुर है। गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉल पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड ही एस्केप फ्रॉम द विंडो। और यहाँ पे एक स्वीट जेस्चर में ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर इसे टाइम दिया गया होता तो मुझे पता है कि ये तुम्हारे ब्लेजर के पीसेस को टॉर्न करके एक रोप बना देता और यहाँ से विंडो के थ्रू भाग जाता। स्केप डेट मीन्स फ्ली, ठीक है, भाग जाना, यहाँ से भाग जाता, स्केप हो जाना। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, टोटो वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। जो टोटो का प्रेजेंट था वो घर में अभी भी सीक्रेट था, अब टोटो को ट्रांसफ़र किया गया एक बिग केज में जो कि सर्वेंट्स के क्वार्टर में था, जहाँ पे ढेर सारे ग्रैंड फादर के पेट सोशेबली रहते थे, दैट मीन्स वहाँ पे एक फैमिलियर वे में रहते थे। अ टोटॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, फॉर अ वाइल माई पेट गोट, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। तो उस केज में कौन कौन से जानवर थे, अ टॉटाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, टेम दैट मीन्स वीक स्क्वेरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और पेट गोट भी रहती थी, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो मंकी टोटो था वो किसी को भी रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लिव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। ग्रैंड फादर ने ये डिसाइड किया कि उन्हें तो कल देहरादून जाना है अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने ये सोचा कि वो अपने साथ में टोटो को लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, और अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रैंड फादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, बट ग्रैंड फादर ने मुझे बताया कि क्या उनके साथ हुआ। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को ले जाने के लिए एक बिग ब्लैक कैनवस बैग रेडी करी गई, दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके बॉटम में कुछ स्ट्रॉ रखे गए, घास फूस रखी गई, बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और वो उसका एक नया घर बन गया। वेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को पैक किया गया, देर वॉज नो स्केप, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और उसमें से भागने के लिए कोई जगह नहीं था, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, क्योंकि वो उस ओपनिंग के रास्ते अपना हाथ नहीं निकाल सकता था, एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिससे वो उसको काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, और अगर वो एफर्ट लगाता भी था तो उससे बैग या तो रोल करती थी या तो वो फ्लोर पर जंप करती थी। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ देख के बैग ग्रैंडफादर की जंप कर रही है, रोल कर रही है,
तो ऑन लुकर्स जो भी वहाँ पे लोग थे वो उन्हें देखने लगते हैं, ठीक है। जो ऑडियंस रहती है प्लेटफॉर्म पे वो ग्रैंडफादर के बैग को देखने लगती है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो जो है उस बैग में सहारनपुर तक वैसे ही रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। रेलवे टर्नस्टाइल गेट के एंट्रेंस पर टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड। तो टोटो जो है बैग से सडनली निकलता है और अपने हेड को दिखाता है और एक वाइड ग्रिन करता है टिकट कलेक्टर को। ग्रिन करना मीन्स दांत दिखा के स्माइल करना। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यूल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो टिकट कलेक्टर रहता है टेकन अ बैक दैट मीन्स शॉक्ड हो जाना, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड वो ग्रैंड फादर के अनवाइंस को देखते हुए कहता है, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास तो डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके अकॉर्डिंग पैसे पे करने पड़ेंगे। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन दैट मीन्स थोड़ा सा वो एग्रेशन में आ जाते हैं। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिटी एज अ डॉग, और वो प्रूव करना चाहते हैं कि मंकी की क्वालिटी डॉग से बिल्कुल मैच नहीं करती, और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, और ये क्वाड्रप्ड भी नहीं है, क्वाड्रप्ड दैट मीन्स चार पैर वाले जानवर, दैट मीन्स ये नहीं गाय की तरह है, नहीं ये डॉग की तरह है। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाई टिकट कलेक्टर, टोटो को क्लासीफाई कर दिया गया था टिकट कलेक्टर के द्वारा कि वो एक डॉग है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपीज़ उसको द्वारा लिए जाएंगे एज अ फेयर। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टाइज एंड सेड, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल। तो ग्रैंडफादर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अपने पॉकेट से टॉर्टाइज को निकालते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके लिए कितने पैसे पे करने चाहिए जब आप हर एक एनिमल के लिए पैसे लेते हैं। तो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, टिकट कलेक्टर टॉर्टॉइज को क्लोजली देखता है, प्रोडेड इट और उसे थोड़ा सा प्यार करता है विद हिज फोर फिंगर, गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग, और उसे कहते हैं ग्रैंड फादर को कि इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि ये डॉग नहीं है। तो ये बार बार टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर को ये कहते थे कि जो आपके साथ टोटो है वो डॉग है, जिससे वो थोड़ा अनोइंग फील करते थे ग्रैंडफादर। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन अ स्टेबल, जब ग्रैंड मदर ने टोटो को फाइनली एक्सेप्ट किया तो उसे स्टेबल में उसे कम्फर्टेबल होम, एक कम्फर्टेबल जगह मिल गई, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। तो वहाँ पे उसे एक कंपेनियन मिला जो हमारे घर का फैमिली डंकी था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन अ स्टेबल ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी ही वॉज कम्फर्टेबल, और टोटो को देखने के लिए नाना गए स्टेबल में। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे। ग्रैंडफादर जब फर्स्ट जाते हैं फर्स्ट टाइम मिलने टोटो से स्टेबल में तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो देखते हैं कि बिना किसी रीज़न के वो नाना के हाल्टर को पुल कर रहा है, ओके, पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे। और जो टोटो है उन नाना के हाल्टर को, ठीक है ना, जो नाना है एक फीमेल डंकी है, हाल्टर दैट मीन्स जो पट्टे लगे होते हैं गले में, उसको पुल कर रहा है ताकि उसका जो फेस है वो हे पे ना रहे और वो हे ना खा पाए। मीन्स एक मिस्चीवियस एक्टिविटी वहाँ पे टोटो अगेन कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, और ग्रैंडफादर नाना के हंच पर उसके पीठ पर एक स्लैप मारते हैं, एक थप्पड़ जड़ते हैं, एंड सी जर्क बैग, और वो पीछे चली जाती है ड्रैगिंग टोटो विधर, और अपने साथ साथ टोटो को भी ड्रैग करती है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ, और उसको टोटो को नाना की तरफ बांधा गया था, और जो नाना का ईयर था वो लॉन्ग था और जो टोटो का जो टीथ था वो शार्प था। सो टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, इस तरह से टोटो और नाना कभी फ्रेंड नहीं बने।
A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. एक ग्रेट ट्रीट टोटो को दी गई ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, एक बाउल में वार्म वाटर दी गई ग्रैंड मदर के द्वारा कि टोटो उसमें बात कर सके. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर को बहुत ही सावधानीपूर्वक टेस्ट कर रहा था विद हिज हैंड, अपने हाथों से. देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, और धीरे से वो बाथ के अंदर घुसा. फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले एक पैर को डालता है फिर दूसरा दोबारा दूसरे को डालता है. एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा है. अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो वाटर के अंदर चला गया जब तक कि वाटर उसके नेक तक नहीं आ गई. वंस कम्फर्टेबल, जब वो एक बार कम्फर्टेबल हो गया, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, तो उसने सोप को या तो अपने हाथ में पकड़ा या तो पैर में पकड़ा. एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने आप के चारों तरफ उसने लगाना शुरू कर दिया सोप को. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जब वो वाटर ठंडी हो जाती थी नहाते नहाते, तो वो किचन के फायर की तरफ चला जाता था अपने आप को ड्राई करने के लिए. इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और ऐसा करते हुए जब भी कोई उस पर हंसता था तो टोटो बहुत हर्ट हो जाता था. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो बात करने से मना कर देता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो ने अपने आप को बॉयल करने से बचा लिया. अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. एक दिन किचन में टोटो को कैटल मिला जो कि फायर पे रखा हुआ था और उसमें टी बॉयल हो रही थी. फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. टोटो ने ये डिसाइड किया कि उसके लिड को, उसके कवर को रिमूव किया जाए. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और उसको लगा कि वाटर तो बात करने के लिए वार्म है. ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला जाता है विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसके जो हेड हैं वो बाहर थे, बाकी उसकी बॉडी अंदर थी. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और ये कुछ टाइम तक तो ठीक था. अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक कि वाटर बॉयल नहीं होने लगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर जब वाटर बॉयल होने लगा तो वो अपना बॉडी बाहर निकाला. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, लेकिन जब वो बॉडी को अपने बाहर निकालता है तो फिर उसे ठंडी लगती है और फिर वो उस केटल में बैठ जाता है. ही कॉन्टिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और वो उस केटल में कुछ टाइम के लिए होप करता है, कूदता है, जंप करता है. अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक ग्रैंड मदर उसे आके हॉल्ड नहीं करती हैं. हॉल्ड दैट मीन्स उसे पुल्ड आउट नहीं कर देती हैं, निकाल नहीं देती हैं. हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और वो लगभग हाफ बॉइल्ड हो जाता है केटल में. अगर कोई ब्रेन का पार्ट स्पेशली मिसचीफ के लिए बना हुआ है तो वो वाला पार्ट टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स सो पीसेस, हमेशा वो चीज़ों को पीसों में टेयर करता है. वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टेयर अ होल इन इट. जब मेरी एक आंट उसके करीब जाती हैं, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वो उनके ड्रेस को पकड़ लेता है एंड टीयर अ होल इन इट, या तो उन्हें उनके ड्रेस को फाड़ देता है. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच टाइम था और उस दिन पुलाव का डिश डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा हुआ था. वे एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और हम लोगों ने देखा कि टोटो उस राइस को निकाल रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाती हैं. एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर, तो टोटो उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है. वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, एक मेरी आंटी आगे की तरफ दौड़ती हैं. एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और अपने फेस पर एक ग्लास ऑफ वाटर को पाती हैं, मतलब टोटो ने उनके ऊपर एक ग्लास पानी फेंक दिया रहता है. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. जब ग्रैंडफादर आते हैं तो टोटो पुलाव के प्लेट को पकड़कर एग्जिट हो जाता है विंडो के रास्ते. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट, और हम उसे जैक फ्रूट के ब्रांचेज में पाते हैं.
द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और अभी भी उसके हाथों में वो पुलाव रखा हुआ है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और वो वहाँ पूरा दोपहर रहता है, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटर्मिंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो पूरे के पूरे राइस को डिटर्मिन होकर खाता है जब तक कि वो पूरी तरीके से ईच ग्रेन उसकी ख़त्म नहीं हो जाती है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द राइस। ग्रैंड मदर को अनोइंग फील कराने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि बहुत देर से उसके ऊपर चिल्ला रही थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उन्हीं के ऊपर वो डिश को फेंक देता है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट वेन इट ब्रोक इन टू 100 pieces, और वो चैटरिंग साउंड निकालता है, आवाज़ें निकालता है जब वो 100 pieces में प्लेट टूट जाती है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ऑब्वियसली टोटो एक ऐसा मंकी नहीं था जिसको हम पेट की तरह यूज़ कर सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि हम उसे एज अ पेट नहीं रख सकते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू, क्योंकि हम लोग बहुत रिच नहीं थे, वेल टू डू दैट मीन्स रिच होना, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर, और हम लोग फ्रीक्वेंट लॉस को सह नहीं पाएंगे, जो कि वो डिश को तोड़ देता था, क्लॉथ्स को फाड़ देता था, कर्टेंस को निकाल देता था और वॉलपेपर को वॉल से निकाल देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने फिर से उस टोंगा ड्राइवर को पकड़ा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, एंड टोटो को अगेन सेल कर दिया फॉर ओनली 3 rupees, 3 rupees में, यानी कि ग्रैंडफादर ने 5 rupees में ख़रीदा था और 3 rupees में उसको अगेन सेल कर दिया। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो टोटो था वो एक बहुत ही मिस्चीवियस मंकी था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स।